दो माह तक देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं को अर्घा सिस्टम से जलार्पण कराया गया। अब सावन समाप्त हो गया है और आज से भोलेनाथ के स्पर्श पूजा को फिर से शुरू कर दिया गया है। आज देवघर बाबा मंदिर में देवघर डीसी और देवघर एसपी सहित अन्य पदाधिकारी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और बाबा भोलेनाथ को श्रावणी मेला संपन्न करने के लिए धन्यवाद दिया। स्पेशल हम लोग पुलिस मुख्यालय से फोर्स की डिमांड करते हैं, अनुपात में फोर्स हमें मिलना चाहिए, मिला है, तो इसके लिए विशेष रूप से हम लोग एक्स्ट्रा भी जो खासकर जो पुराने ऑफिसर्स या डिप्यूटेट थे उन्हीं को मांगे हैं ताकि सुगमता से खासकर मंदिर प्रागर में हम लोग श्रद्धालुओं का जलापन और श्रद्धालुओं का स्पष्ट करा। देवघर डीसी विशाल सागर ने कहा कि दो माह तक चले श्रावणी मेला को भोलेनाथ की कृपा से संपन्न कराया गया है। यह मेला काफी सफल रहा और इसके लिए आज भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना जिला प्रशासन की ओर से की गई और आज से अर्घा हटा दिया गया। अब भोलेनाथ के भक्त स्पर्श पूजा कर सकेंगे। डीसी ने बताया कि अत्यधिक भीड़ होने की वजह से यह सिस्टम लगाया जाता है। अब भादो मेला की शुरुआत हो गई है और आज से भोलेनाथ के भक्त भोलेनाथ को स्पर्श कर सकते हैं। मेला को सफल बनाने के लिए तमाम पुलिस और प्रशासन पदाधिकारियों के साथ साथ पुरोहितों को डीसी ने धन्यवाद दिया। इस दौरान क्योंकि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या बाबा मंदिर में आते हैं और जल अभिषेक करने के इच्छुक रहते हैं, उनको सुरक्षात्मक तरीके से और सुगम तरीके से जलार्पण करवाने के लिए जिला स्तर पर जिला प्रशासन तत्पर है, राज्य सरकार तत्पर है, इसी को देखते हुए अर्घा की व्यवस्था की जाती है। अब क्योंकि श्रावण मास सफलतापूर्वक उसका समापन हो चुका है और भादो मेला की शुरुआत है, तो आज विधि व्यवस्था के तरीके से पूजा की गई है और जिस प्रकार से ट्रेडिशन रहा है उसमें जिला स्तर से पहले जिला प्रशासन के द्वारा पूजा की जाती है और उसके बाद अर्घा को हटा दिया जाता है आम श्रद्धालुओं के लिए। अब इसके बाद में आम श्रद्धालु बाबा मंदिर में जाके बाबा का स्पर्श पूजा करते हुए जल अभिषेक कर सकते हैं। सर, क्योंकि इस बार उनकी सेफ्टी और उनको कतारबंद करते हुए सुगम तरीके से जलार्पण करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए भादो मेला के दौरान भी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के सहयोग से श्रद्धालुओं को तरीके से जलार्पण करवाया जाए। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।